Amidst the ongoing NEET controversy, the Supreme Court has sought response in 2 weeks from the centre, from the National Testing Agency and others on the plea for the CBI probe into the controversy-ridden NEET undergraduate exams. Moreover, the NEET aspirants have staged a protest regarding the same at the Central Secretariat. The National Testing Agency has demanded from the Supreme Court that the petitions filed against the NEET exam 2024 in the high courts across the country should be transferred and heard in the Supreme Court. The Apex Court has issued notice on a batch of different petitions filed regarding NEET, raising concerns of paper leak. The Supreme Court tags and posts the plea for the next hearing along with similar petitions on 8th of July. The petition has demanded a CBI probe into the matter. The Supreme Court has, however, refused to ban the counselling of the students who've passed the exam. Petitioner Nitin Vijay has stated on the Supreme Court hearing on NEET exam issue that they have two main concerns. The first being the paper leak and the other one is the grace marks. Let's listen into what the petitioners have said. वन तो एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था हमारी उसमें मेजरली दो बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है वो आपको मुद्दा नहीं रहा है दो जो दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स के को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेन सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी उन सभी सेंटर्स में भी गड़बड़ी हुई थी जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया जिन्होंने लोकल कंप्लेन गई गांव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाकर रेट फाइल कर सकता है उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो कैसे उसको कर पाएंगे तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहां पे वो कंप्लेन डालें बच्चे कंप्लेन डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज्यादा इन्फ्लेट हुई है वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से ये वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस बात को लेकर कि 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं बरसों से इस काम को कर रहे हैं ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए हैं हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते अलग बात है बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते ये कहना चाहता हूँ वरना हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रणाली पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया तो जो देश में इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है उन एग्जामिनेशन पर तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर अटेम्प्ट करते हैं तो सही में एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स हमें मिलते हैं इस बात को हमें समझना पड़ेगा Alright, Aditya, what transpired in the court today? There were a bunch of petitions that were once again heard by the Supreme Court. जी मैं बताऊं आपको कि आज फिर से सुनवाई हुई है सुनवाई में आज फिर से काउंसलिंग को लेकर के कोई किसी तरीके से रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया है और उन्होंने साफ भी एक किताब कर दी है कि जो एनटीए है उसने अपने मन से अपनी इच्छा से कहा था कि 1563 बच्चे जो हैं उनका दोबारा परीक्षा देने की जो बात हुई थी वो भी उन्होंने साफ कह दिया कि एनटीए का अपनी इच्छा थी इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश जो है नहीं आया है इसके साथ ही जो अलग अलग राज्यों में जो पिटीशन दायर किए गए हैं या दायर किए गए हैं सबको इकट्ठा करके 8 तारीख को दोबारा से सुनवाई की जाएगी जिसमें बाकी के दूसरे मामले हैं चाहे सीबीआई मामले की हो सीबीआई जांच मामले की हो या दोबारा जांच पेपर के दोबारा टेस्ट करवाने पूरे जो 24 लाख बच्चे हैं सभी के टेस्ट दोबारा करवाने की बात हो या अन्य जो भी आरोप एनटीए पे लगे हैं उन सभी मामलों की सुनवाई जो है 8 तारीख को हो सकती है लेकिन तत्काल अभी तक जो मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा है उस हिसाब से काउंसलिंग में किसी तरह की रोक नहीं है काउंसलिंग में किसी तरह की रोक न होने के साथ ही किसी तरीके की कोई आरोप जो है एनटीए ने भी नकारा है कि किसी तरीके की पेपर लीकेज हुई है या धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बात को स्वीकार किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि किसी तरीके के कोई पेपर लीक नहीं हुई इसका कोई सबूत नहीं है आज भी धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है ट्वीट करके बताया उन्होंने कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चाहेगा जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए तय होगा सारी चीजें उसी तरीके से की जाएगी उसी के अनुरूप की जाएगी इसके साथ ही
आज अभी कुछ देर पहले की बात है जब कुछ बच्चों का झुंड जो है वो आए थे सेंट्रल फैसिलिटी मेट्रो स्टेशन से उतरे और वहां से जो है मंत्रालय जो है शिक्षा विभाग का धर्मेंद्र प्रधान का कार्यालय जहां पे है वहां पे वो पैदल मार्च का उनका प्लान था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास में उनकी से पूर्व की अनुमति नहीं थी जिस वजह से जो दर्जनों पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन्होंने बच्चों को रोका। लेकिन वहां बच्चे वहां पर उन्होंने थोड़ी सी नारेबाजी की, थोड़े से उग्र टाइप हुए, मीडिया से बात करते हुए बच्चे बहुत रोने लगे, हमने डॉक्टर को दिखाया था। उसके बाद पुलिस विभाग के कुछ लोग जो आला अधिकारी जो है वो आए और वहां से बच्चों को समझा बुझा करके वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े रहे, उनके जो पेरेंट्स थे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके साथ में खड़े हुए थे वो अड़े रहे, जिसके बाद जो है किसी तरीके से वो न मानने की स्थिति में कुछ पुलिस बल के जो लोग हैं उन्होंने अंदर बात किया था और अंदर बात करने के बाद ये जो बात चली कि तीन लोग जो है अंदर जा सकते हैं, दो किसी कोई बच्चा और एक कोई पेरेंट जो है वो कोई जा सकता है। उसके बाद तीन लोग जो है अपने एप्लीकेशन के साथ में अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद अभी वो अभी तक तो अंदर में ही है, बाहर आने के बाद क्या किस तरह की बात होती है या क्या चीजें निकल कर आती है वो बात पता चल पाएगी। लेकिन सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।